हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। आज हम आपको दिखाएंगे कि आपको अपना स्विफ्ट गाड़ी का एयर फिल्टर, तो मैंने दिखाया आपको दूसरी वीडियो में, यह है एसी फिल्टर। एसी फिल्टर आप खुद कैसे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। अब समर सीज़न आने वाला है, एसी यूज़ होगा, तो आपका एसी और इफ़ेक्टिव और क्लीन एयर आपको कैसे दे सकता है, आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। आपको ये ग्लव बॉक्स होता है, ये ग्लव बॉक्स खोलना है और ये नीचे से, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से लॉक होते हैं, ये दो लॉक आपको दिखेंगे। आपको ये नीचे से पुश करने हैं, नीचे से पुश करने हैं एक साइड। ये आपका निकल गया लॉक, ये आप देख रहे होंगे ना, ये लॉक होता है, इस तरह से पुश करेंगे निकल जाएगा ऐसे दूसरी साइड से, ठीक है। ये आपके प्लास्टिक की बॉडी है, इसमें लॉक फंसे होते हैं। कौन से लॉक फंसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉक होते हैं, ये लॉक और ये लॉक, ये दो लॉक फंसे होते हैं इसके अंदर। ये आप यहाँ से एक साइड से पुश करके निकाल सकते हैं। ये आपका ब्लोअर फैन है, यहाँ से आपको हवा आती है, और ये आपका फिल्टर की लोकेशन है, ठीक है। ये 1 2 3 तीन लॉक होते हैं। इसमें क्या करना है आपको, ये यहाँ से हल्का सा ऊपर उठाना है और ऐसे ही ये साइड से, ठीक है। देखा होगा आपने, जैसे ही उठा के खुल गया, ये साइड से प्लास्टिक के लॉक इसके बाहर आ जाएंगे, ये कवर आपका से बाहर आ गया है, ठीक है। कवर आपका बाहर आ गया, ये फिल्टर दिखाई दे रहा है आपको सामने, ये फिल्टर आपका इस तरह से साइड से इस तरह से बाहर आ जाएगा। ये आपका कैबिन फिल्टर है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है, देख रहे हैं कितना गंदा है। इसे भी हम सेम डस्टिंग करके झाड़ के साफ हो जाएगा, इसके अंदर धूल जो है वो निकल जाएगी। इसको भी ऐसे ही सॉफ्ट सरफेस पे झाड़ के साफ कर देंगे, देखिए इसमें से भी ऐसे ही धूल निकल रही है। फिल्टर साफ हो गया। इसको लगाने के लिए भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ साइड है वो आपको अपने साइड में सामने रखना है, फ्रंट साइड में। एयर फ्लो का एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये नीचे से एयर फ्लो आएगा, और ये अप पोजीशन जो है आपको ऊपर की तरफ रखना है, एरो डाउन नीचे, एरो अप ऊपर, सेम जैसे जिस पोजिशन में निकाला था उसी पोजिशन में आराम से आप इसको देखिए, जिस पोजिशन में आपने निकाला था, ये हॉलो स्पेस है, उसी पोजिशन में आप इसको अंदर लगा सकते हैं। ये लग गया, देख लेंगे दोनों साइड सेट हो गया, एयर फ्लो डाउन अप एग्जॉस्ट, ठीक है। बस अब इसी तरह से ये आपको लॉक का ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ। ये जो है आपको लॉक का ध्यान रखना है, ये लॉक जो है इसके नीचे जाएगा फिल्टर के अंदर, और ये आपका ऐसे लग जाएगा, ठीक है। ये एक लॉक, ये आपको क्लिक साउंड आ जाएगी, इसमें लॉक आपके तीनों सेट हो गए, ठीक है। ये तीनों लॉक आपके 1 2 एंड 3 प्रेस करके देख लेंगे, ये आपका सेट हो गया, ठीक। ये आपका कैबिन फिल्टर क्लीन हो गया, गुड टू गो फॉर समर्स। अब आपने देख लिया, अब आपको ये ग्लव बॉक्स सेट करना है, ये यहाँ पे और यहाँ पे लॉक लगता है, ये फर्स्ट लॉक सेकेंड लॉक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉक, ये आपका सेकेंड लॉक, पहले फर्स्ट लॉक को सेट कर लीजिए अदर पोजीशन पे, दिख रहा है, ठीक है। ये अब आपका दूसरा लॉक सेट हो गया, मैं इसको यहीं पे आपका सेट हो जाएगा इस तरह से, ये लग गया और ये लग गया, ठीक है। ये आपका ग्लव बॉक्स लग चुका है वापस, ठीक है, दोबारा से अपने स्मूथ पोजीशन में। और अब आपका एसी फैन चालू हो गया, ये आपका बढ़िया चालू हो गया, फ्लो आप देख सकते हो, ये आपका फ्लो दिखाई दे रहा होगा, एयर फ्लो, ये आपका चालू हो गया।
आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलेंगे जल्दी दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब के लिए।